हमीरपुर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 19 एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ बाल स्कूल प्रिंसिपल अंजू देवी ने किया। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिला भर के ब्लॉक स्तर पर विजेता व उपजेता खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बाल स्कूल प्रिंसिपल अंजू देवी ने बताया कि 3 दिनों की प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयारियां की हुई हैं और बच्चों के रहने व खाने के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बच्चे प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम लेकर आएंगे और अपने स्कूल का नाम प्रदेश भर में रोशन करेंगे। विद्यालय की ओर से शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे डीपी जी भी और भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए सारे डीपी साहिबान और बच्चों के साथ सारी टीमें जो आई हुई हैं। इसका हमने बच्चों का जो है वो खेलकूद प्रतियोगिता का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ डिग्री कॉलेज में किया है, और रहने का जो अरेंजमेंट, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला में की गई है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट जो है वो हमारे सभी स्टाफ सदस्यों ने, हमारे डीपीज ने, एडीपीओ साहब ने किया है। हम इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगी कि अच्छे रिजल्ट्स जो हैं बच्चों के आए, और बच्चों के अंदर जो है बच्चों को आगे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में रिप्रेजेंट करें हमारे बच्चे, यही हमारी पूरी जो है वो कोशिश है। वहीं खिलाड़ी ने बताया कि एथलेटिक दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि यहां पर प्रतियोगिता के लिए बढ़िया प्रबंध किए गए हैं और खिलाड़ी ने जीत के लिए अपने डीपी को पूरा श्रेय दिया। कुमारी है, मैं गवर्नमेंट सीरीज सेंट स्कूल कोर्ट से ही हूँ। मैं यहाँ पे एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़ लगाने आई हूँ और मेरा प्रथम स्थान आया है एथलेटिक्स 100 मीटर की दौड़ में मिली, और अच्छा रहा यहाँ पे दौड़ने का भी। ये मैं अपने डीपी सर विपिन सर, जो हमारे डीपी सर स्कूल के, मैं उनको सारा श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी कोचिंग दी, हर चीज़ में हमें आगे करते हैं, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, तो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं।